इस शो को करते हुए तकरीबन मुझे कम से कम 10 साल होने वाले। थर्ड सीजन, थर्ड चैप्टर चल रहा है द लेट नाइट हॉरर शो का। हर एक सीजन में मुख्तलिफ वाकयात, दुनिया भर में क्या होते हैं, वो जगहें जो कि टिल डेट हॉन्टेड करार दे दी गई हैं, या वो जगहें जिनको गवर्नमेंट की तरफ से नो गो एरिया करार दे दिया गया है, उनके बारे में डिस्कशन होती है। इन तमाम सीजन्स में बहुत सारे लोगों की ईमेल्स, बहुत सारे लोगों की कॉल्स, बहुत सारे लोगों के वन टू वन इंटरव्यूज करने के बाद उनके साथ हुए वाकयात आप लोगों के साथ शेयर किए। कुछ ऐसी जगहें खुद जाके एक्सप्लोर की जिसके बारे में लोग हमें बताते हैं। कभी कभी अगर आप लोग पुराने लिसनर्स सुन रहे हैं तो ये लाइव शो के दौरान ये भी हुआ है कि मुझे शो छोड़ के जाना पड़ा, किसी और रीजन की वजह से नहीं, कुछ इस तरह की शो के दौरान चीजें होती थी जो हमारे बस में नहीं रह पाती थी। कभी स्टूडियोज में वाकयात होते हैं, कभी ऑफिस में, कुछ वो कहानी है जो आप लोगों को आज तक मैं बता नहीं पाया, जो सुनाना मैं शायद सही नहीं समझता। इस शो की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक सिंपल सी आधे घंटे की एक कहानी से। एक शो किया करता था रॉक कराची के नाम से रात 1 बजे, और उसमें आधे घंटे के लिए मैंने एक हॉरर स्टोरी सुनाई जो कि मेरे शायद किसी एक रिश्तेदार की थी, और उसके बाद से शुरुआत हुई द लेट नाइट हॉरर शो। From Area 51 to England's most haunted houses, हमने सब कुछ डिस्कवर किया, हमने सब कुछ आप लोगों के सामने आप लोगों को इन्फॉर्म किया, और यही नहीं, आप लोगों की तरफ से भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। टिल डेट हमें लोग अभी भी मैसेज करके बोलते हैं कि आपके शो में से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, और मैं हमेशा ये बोलता आवाज सुनाई देता हूं कि ऐसे कोई साउंड इफेक्ट्स मैं प्ले नहीं करता जिससे मुझे 2 रुपए की अटेंशन मिले। आज जब मैं रिसर्च कर रहा था शो के लिए तो मैंने कई सारी कहानियां, कई सारे वाकयात सुने, पढ़े, देखे, जमैका के रोज हॉल से लेके कारसास की दुल्हन तक के वाकयात आज पढ़े। लेकिन आज का शो हम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए करेंगे, आज हमारा सारा फोकस होगा कॉलर्स पे। काफी अरसे से हम कॉलर्स को ज्यादा इंक्लूड नहीं कर रहे अपने शो में,
अगर आप लोग ईमेल भी करना चाहे तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने वाक्यात हमसे शेयर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मिन्हाज अली अस्करी। मेरा और आपका साथ तकरीबन 1.5-2 घंटे का है, कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग बनाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने आज फर्स्ट टाइम हमारा शो ट्यून इन किया है तो नाम से ही आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये शो किस हवाले से है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हम इस शो में डिस्कस करते हैं उस मखलूक, उस एनर्जी, उस एंटिटी के बारे में जिसके बारे में टिल डेट दुनिया में एक डिबेट है, आया ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। लोगों का दिमागी मसला है या हकीकत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद ये किया करती होंगी किसी जमाने में, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। हर इलाके के अपने अपने कुछ कहानियां हैं, कराची की कुछ कहानियां हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, इनके अपने अपने वाकयात हैं। मागला हिल्स की पहाड़ियों से लेके कराची के हॉग्स बे तक कोई इलाका ऐसा नहीं है जो इस तरह के वाकयात से दूर रहा हो। एक मशहूर वाकया है जो कि हॉग्स बे का है, जिसके बारे में कई बार अखबारों में भी आया उस टाइम पे, कि एक हट है जो कि इन रीसेंट टाइम डिमोलिश कर दिया गया है। वो एक बैंक था, उसका हट था। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके अपने अपने पर्सनल हट्स होते हैं, वहां पे उनके एम्प्लॉयज जाके महीने दो महीने में पार्टी करते हैं। इसी तरीके से इस बैंक का भी ये एक हट था। एक दिन वहां पे सारे एम्प्लॉयज की एक पार्टी रखी गई और उसी पार्टी के दौरान एक शख्स ने वहां पे सुसाइड कर ली। कहा जाता था कि जब तक ये हट गिराया नहीं गया, उस हट में कोई आज तक जा नहीं पाया। दिन दिन तक तो वहां पे लोग रह सकते थे, लेकिन जैसे ही मगरिब का टाइम हो जाता वहां अजीब और गरीब चीजें होना शुरू हो जाती। उस बेसमेंट, उस हट के बेसमेंट से लोगों ने ऐसी ऐसी आवाजें सुनी हैं, और जब नीचे जाके देखा और किसी को ना पाया तो ये शक यकीन में बदल गया कि यहां किसी
इंसान की शरारत नहीं, अलबत्ता कोई और मखलूक है जो अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है। उस एक वाक्य के बाद से इस हट में चार पांच दफा इस तरह की केसेस हुए हैं कि डेड बॉडीज मिली हैं। एक साहब का तो ये वाक्या था कि वो अपनी फैमिली समेत उस हट में गए, उन्होंने रात वहां स्टे किया, और बीच रात ही उनको उस हट को छोड़ के वहां से जाना पड़ गया। कहते हैं कि हट में हम दाखिल हुए, सामान रखा, मगरिब हो गई, लाइट ऑन की गई, जनरेटर चला, थोड़ी देर के बाद वो जनरेटर काम करना बंद कर गया। बड़ी कोशिश की लेकिन वो जनरेटर नहीं चला, तो अंधेरे घुप में उस हट पे रहना जरा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने हट में ही एक छोटी सी बॉनफायर कर दी। बॉनफायर करने के बाद फैमिली जो है वो साहिल की तरफ रुक कर गई, अपना साजो सामान छोड़ के। अब कह रहे हैं कि हम लोग पानी में नहा रहे हैं, बच्चे, बेगम, मियां, सब। जब हट की तरफ नजर पड़ती है तो देखते हैं एक शख्स हट के अंदर खड़ा हुआ है और सीधा इस फैमिली को देख रहा है। जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लगता है कि शायद, क्योंकि हॉग्स बे है, हालात बुरे होते हैं, शायद कोई चोर उचक्का हट के अंदर घुस के आ गया। वो साहब कहते हैं कि मैं जरा तैश में आ गया। अब कह रहे हैं कि मैं हट की तरफ बढ़ता जा रहा हूं, वो शख्स मुझे सामने नजर आ रहा है और वो देख रहा है, मैं भी उसको देख रहा हूं, लेकिन उसकी शक्ल मुझे क्लियरली नजर नहीं आ रही। पीछे आग जली हुई है, बॉन्ड फायर। कहते हैं मैं हट के अंदर दाखिल हुआ ये देखने के लिए, ये बोलने के लिए कि भाई तुम कौन। तो कहते हैं जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वहां पे कोई नहीं। परेशान हुए, थोड़ा सा खौफजदा हुए कि शायद कोई चोर है जो कहीं जाके छुप गया। उस हट के चौकीदार वौकीदार भी मौजूद थे, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा गया कि कोई आया तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा तो कोई शख्स नहीं आया था। खैर, उन्होंने फिर भी एतमाद हासिल करने के लिए उस घर की चारों तरफ चक्कर लगाए, ढूंढा, बेसमेंट में जाके देखा, टूटे फूटे कमरे थे उसके अंदर जाके देखा, जो जो कोने थे तो जाके देखा, तो कोई नजर नहीं आया। खैर, उनको लगा कि शायद कोई शख्स होगा, डर के मारे चला क्या होगा। साजो सामान सारा चेक किया तो वो भी मौजूद। कहते हैं अब वापस मैं साहिल की तरफ गया अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने, फिर पलट के देखा तो इस दफा वो शख्स दोबारा नजर आया, लेकिन ऐसे जैसे बहुत गुस्से में है और उसी कमरे के चक्कर लगा रहे तेजी तेजी से। इस दफा उस अंकल ने दूर खड़े हुए जो चौकीदार थे उनको आवाज मारी कि ये देखो दोबारा से वो शख्स नजर आ रहा है। अब वो चौकीदार परेशान कि आखिर हो क्या रहा है। हट में झांक के देखा
तो उनको कोई नजर नहीं आए। उन अंकल की तरफ देखें तो अंकल ऐसे रिएक्ट करे जैसे सामने ही बंदा खड़ा है। थोड़ी देर तक तो ये सब आंखमचोली चलती रही, लेकिन बाद में फिर उन साहब को रियलाइज हो गया कि कुछ और ही मसला यहां चल रहा है, और उनको रात को ही उस हट को छोड़ के जाना पड़ा। खैर जनाब, ये एक वाकया था। इस तरह के कई सारे वाकयात हैं, जैसे इस्लामाबाद के मागला हिल्स के ऊपर मरी में माल रोड की तरफ नारान, कागान, शोगरान, इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगहें पाकिस्तान में मौजूद हैं अभी भी, जहां इंसान सिर्फ पैदल ही जा सकता है, ना तो कोई गाड़ी जा सकती है, यहां तक के जानवर तक नहीं जा पाते। फिर इतने जंगलात हैं और उनमें कितनी कहानियां हैं। कोई गांव वाला अगर हमें अपने वाकयात बताता है तो हमें हंसी आती है कि यार ये है, हम शहरी लोगों को सुना के तुम हंसा रहे हो। लेकिन वो वाकयात सच्चे होते हैं, ये मखलूक एग्जिस्ट करती है, ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसे वाकयात हुए तो हमसे जरूर शेयर करें। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें सबसे पहले KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाइए। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-4520791। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूं, 0213-4520791 वो नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल है, उसको सबसे जरूरी है सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी जगहों पे हम मौजूद हैं। अगर आप वहां पे हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर अपने साथ हुए वाकयात की ईमेल हमें भेजना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। है जनाब, अभी फेसबुक लाइव फिलहाल चल रहा है, लेकिन आई थिंक 5-10 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये सारी, अगर आप रेडियो पे नहीं सुन पा रहे तो ये पूरी एपिसोड आप कल के दिन हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं। जनाब भरते हैं आज फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद?
मिनाज़े उसामा बात कर रहा हूँ कराची से। जी उसामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज़े, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक उसामा, क्या करते हैं आप? मिनाज़ भाई, बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर। अच्छा, लेकिन ये जो है मेरे साथ ये जो पेश आया था ये लेट दिसंबर 2016 में पेश आया था, आज से तकरीबन दो साल पहले, तीन साल पहले, ढाई साल पहले। सॉरी, बताइए बताइए। मिनाज भाई, ये था कुछ कि हमारा, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो हम लोगों ने, दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक मतलब कंबाइंड स्टडी करेंगे, दोस्त के यहाँ जो बफर जोन में रहता है। सही। तो वहां से हम लोग लगभग 3 बजे फारिग हुए, तो मैं अपना एक दोस्त मेरा साथ था, तो मैं उसको बाइक पे, उसका घर है गुलशन शमीम में, वहां उसको मैंने ड्रॉप, हेलो जी जी बोलते रहिए, तो उसको मैंने वहां पे ड्रॉप किया, और फिर मतलब लगभग रात के 3:30-4 का टाइम होगा, तो मैं वहां से उसको ड्रॉप करके निकला हूं। तो अगर आपने वो एरिया देखा हो तो आपको पता है कि गुलशन शमीम के बाद एक कब्रिस्तान आता है जिसको हम यासीनाबाद या अजीजाबाद का कब्रिस्तान कहते हैं। सही। और उसके बाद एक ये, हेलो जी जी बोलते रहे, तो उसके बाद ये नदी आती है, और नदी के बाद ही मतलब जैसे ही आप दो रास्ते जाते हैं, एक तेराडी की तरफ और एक गुलशन चौरंगी की तरफ। बिल्कुल। तो मेरा जो घर है वो गुलशन, ये आप कह लें कि गुलशन जो मोची मोड़ है इसके आसपास ही है, बंगलों में रहता हूँ मैं। सही। तो व्हेन आई वाज क्रॉस, मैं जैसे ही मतलब पहुंचा हूँ तो यहाँ पे कोने पे इमाम बारगाह है, लाइक ये मतलब समझ लें कि 13D की सिग्नल पे इमाम बारगाह है। तो मैं बहुत मतलब रात का होता है 4 बजे का टाइम, तो तेज स्पीड में था मैं। तो ऑन माय लेफ्ट देयर वाज अ वुमन हु वाज कंप्लीटली ड्रेस्ड इन रेड क्लोथ्स, मतलब समझ लें कि होता है ना कि शादियों में जिस तरह हमारी नई नवेली दुल्हने जाती हैं, या मतलब आप कह लें कि बिल्कुल फुल वो ड्रेस्ड अप थी, और उसने मुझे हाथ दे के रोका। तो आपको पता है कि हम मतलब स्पीड में जब बाइक होती है तो जब तक आप ब्रेक लगाते हैं थोड़ा सा आगे निकल ही जाते हैं, और ये भी था। और सेकेंडली आपके मतलब हम लड़कों का ये भी पता है आपको कि जैसे ही मतलब होता है तो अट्रैक करता है, तो जैसे आगे जाके मतलब उस समय 5 या 6 कदम आगे गया हूँ, मैंने अपनी बाइक की साइड मिरर में देखा, देयर वॉज नो वन। अच्छा। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो वन, मतलब आई वॉज लिटरली, मैं जब देखा मैंने किसी तरह से तो कोई भी नहीं, तो मैं कांपने लगा लिटरली, आप यकीन माने इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मतलब और ओसामा ये बताएगा कि ये एग्जैक्टली जो रोड उधर की तरफ गुलशन चौरंगी की तरफ जा रहा है उस रोड पे हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा उस रोड पे हुआ, कोने पे इमाम बारगाह, जो उस एरिया में लोग रहते हैं उनको पता भी होगा, वहाँ पे अक्सर औकात ही वाकयात आते हैं। ये मतलब आप समझ लें कि यासीनाबाद कब्रिस्तान है, नदी है, और उसके बाद ये कोने पे इमाम बारगाह, इमाम बारगाह के बिल्कुल आगे हुआ। हेलो, बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल। अच्छा, और आपने शक्ल वक्ल देखी थी ये क्या? मिनाज भाई, मैंने वो देखा, बिल्कुल देखा नजर भर के, मतलब खूबसूरत, आपको पता है गोरी सी और फुल ड्रेस्ड अप, इवन शी वाज वेयरिंग ज्वेलरी, जो मैंने रैंडम आई में देखा एक नजर में, तो शी वाज कंप्लीटली ड्रेस्ड अप, शी वाज जस्ट मतलब गोइंग फॉर अ शादी। लेकिन इस टाइम आना, और आपको पता है 4:15 का टाइम रात को, कड़ाके की सर्दियां कराची में दिसंबर में, तो आपको पता है 1 महीने में आती है, तो वही वो था। तो मैं जैसे तैसे करके पेट्रोल रूम पे पहुंचा हूँ, मतलब वहाँ पे जाके मैंने बाइक रोक दी है, और मतलब वहाँ पे जो 2-3 वर्कर्स थे आपको पता है खुद, तो वहाँ जाके फिर मैंने अपनी अम्मी को फोन किया और अब्बू को फोन किया कि मुझसे ये हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि आप वहीं रुके, फिर वो मतलब आए और मुझे उन्होंने मतलब वहाँ से घर तक लेके गए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू उसामा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप ये फर्स्ट कॉलर थे जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया, और खैर फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम फेसबुक अब बंद करने वाले हैं थोड़ी ही मिनट में, तो हम नाम शामिल करते हैं, फराज फारूकी, मोइज हसीब, फायका, मोहम्मद ताहिर, शानजे, फयाज एंड तलहा, अंसारी साहब, नईम साहब, गुफरान, वासिफ, सालेहा, समरा और हुजैफा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। अगर आप लोग हमारा शो सुनना चाहते हैं मजीद, तो 103 ट्यून इन कीजिए, या फिर
हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhajaliasgari सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको सारी तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगी। चलो जनाब, भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, मैं बिनते हसन बात कर रही हूँ। जी जी बिनते हसन, कैसे? हाँ, कैसे आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज मैं जो हूँ अपने तमाम सुनने वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। बोलिए। अच्छा जी, मैं तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग सब जो है कल ट्विटर पे आइए और हमारे शो के लिए एक फैन बनाइए और लेट नाइट हॉरर शो, और जिनका अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट बनाइए और कल जो है हम लोग सब जो है अपने शो के लिए फैन करेंगे ताकि ये टॉप पर आ जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, वाकया क्या है वो बताएं। असल असल नहीं, आज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी। वाकया आज कुछ ऐसा खास नहीं, मैं पिछले प्रोग्राम में सुना चुकी हूँ बहुत। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बिनते हसन। थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो जनाब, भरते हैं कुछ ईमेल्स की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। ओ, ईमेल्स पे देखते हैं किसने ईमेल भेजी। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, माय नेम इज मिशा अली। ये वाकया जो मैं बता रही हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था। 1996 में जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त वो लोग गुलिस्तान जौहर में हिना बैंगलोर में रहते थे, जो कि आज भी मौजूद है। वालिदैन बताते हैं कि उस वक्त जौहर में इतनी आबादी नहीं थी, बैक साइड पे कब्रिस्तान भी था और ज्यादातर वीरान था, क्योंकि अब जो फ्लैट्स हैं वो उस वक्त नहीं थे। बंगलोज में भी बस कुछ ही बंगलोज आबाद थे, बाकी सब खाली पड़े हुए थे। उस वक्त मेरे वालिदैन की नई शादी थी, वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। दिन के टाइम पे वालिद साहब ऑफिस में हुआ करते थे और वालदा एक हाउसवाइफ की तरह घर संभाला करती थी। कहते हैं एक दिन वालिद साहब ऑफिस से आए और वालदा को कहा कि ऊपर रूम में चलो, मुझे फ्रेश होना है और फिर खाना खाते हैं। वालदा ने कहा कि आप चलें, मैं आती हूं। दो मिनट के बाद जब वालदा अपने रूम में गई तो देखा कि वालिद साहब कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी दरवाजे के पीछे, कभी वॉशरूम के, कभी बराबर वाले रूम में जो कि मेरे ताया का रूम था, और वो उस वक्त उस घर में नहीं रहते थे, वो दुबई में रहते थे। खैर, वालदा ने ये देखा तो पूछने लगी कि क्या आप ढूंढ रहे हैं। वालिद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और वालदा का हाथ पकड़ के नीचे आ गए और फिर कुछ देर बाद बताया कि जब वो ऊपर रूम में गए तो उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने पर्दे के पीछे दो पांव देखे जो बहुत खूबसूरत थे। उन पांव में पायल भी थी, लंबे नाखून थे जिसमें रेड नेल पॉलिश लगी हुई थी। जैसे कहते हैं जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, वो पांव पर्दे के पीछे से ही दूसरे कमरे में
भागे और पायल की आवाज भी साफ साफ सुनाई दी उस वक्त। कहते हैं उस वक्त तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। बाद में वालदा के आने के बाद वो समझ गए कि ये कोई और चीज थी और जौहर के और कहते हैं कि फिर हमने पूरा घर छाना, ऐसा कुछ नहीं मिला। कहते हैं जौहर के अक्सर फ्लैट्स में इसी तरह के वाकयात पेश आते हैं और टिल डेट हिना बैंगलोर में जो कि अभी भी मौजूद हैं, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। वैसे काफी वियर्ड एक सिनेरियो है क्योंकि पर्दे खिड़कियां तो हर घर में मौजूद हैं और हमारे यहां ब्लाइंड्स का तो बहुत कम रिवाज है, पर्दे ही लटके होते हैं। तो सोचें, फर्ज करें एक सेकंड के लिए कि अभी अगर आपके पर्दे पे नजर पड़े और इस तरह का सिनेरियो हो तो आप कैसा फील करेंगे। Hi Minhaj, this is Faizan. I'm your listener since 2007 and I never missed your show. I'm a biomedical engineer. I visit different hospitals in Karachi. One day my manager assigned my task to a well-known hospital because of the special operation was to be held in that hospital and my task was to make sure all the medicines are in perfect shape. To make sure all the machines are in perfect shape. It was late. So after checking all the machines in the operation theater, I went out for a walk. After a couple of minutes, I returned and decided to wait in the lobby. After Fajr, I went to check the equipments one more time. As the operation was to be more serious and he was also a VIP political man, which makes my task quite hard. If something goes wrong, I would have not a chance to undo it. After making sure that all the machines are in A1 condition, just when I turned to walk out of the OT operation theater, I heard the patient monitor started it all by itself. And the monitor is showing heart rate, lungs, saturation level, blood pressures, and the readings are of a normal man. Then suddenly operation theater lights started flashing. And believe me, Minhaj, I am a biomedical engineer. I know how these machines work and it's not possible of machines to do that all by itself. It was so scary. I ran off to the lobby after the ward boy XYZ who was with me. It was the same situations. All the readings was showing as before. I was scared. I am 100% sure that this was a paranormal activity which I observed that day and it was really scary. Thanks for reading it, Faizan. बिल्कुल फैजान, आप मुझे जो है ये जरूर बताइए कि आखिर ये कौन सा हॉस्पिटल है, किधर ये वाकया पेश आया और मशीन का मेल फंक्शन भी एक पॉसिबिलिटी है, 1% चांस है। खैर, बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके बारे में आए दिन लोग अपने मैसेज हमें भेजते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो वहां काम करते हैं या पढ़ते हैं, वो बताते हैं। खैर, अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं या फिर आप लोग हमें
अपने एसएमएस कर सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। चलते हैं जरा एसएमएस की तरफ। वकास मिनहाज, दुआ करवा दें, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और अब्बू का भी। अम्मी का इंतकाल रमजान 12 रोजे को हुआ और अब्बू का 30 जून को। चलें जी, माजरत, बड़ा दुख हुआ। और वकास के लिए प्लीज, उनकी वालदा के लिए, उनके वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए सब। सायरा सुहेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमजा अनीस कहते हैं, मिनहाज कैसे हैं आप? हमारे पुराने घर में कुछ था, मैंने आज तक नहीं देखा। सेकेंड लास्ट ईद के थर्ड डे रात में भैया और वालदा खाना खा के बैठे थे टेबल के किनारे, बॉटल एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई जिसमें हाफ से भी थोड़ा ज्यादा पानी था। अच्छा, वो कहते हैं कि बॉटल ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई, राइट? दैट्स वियर्ड। फैसल, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। इसके अलावा हमजा मलिक From Adiyala Road, show is very awesome. Timing schedule का पता नहीं था, last week सुना था, till now wait में ही था। अच्छा, हमारा शो फ्राइडे रात 12 से 2 103 पे आता है। और इसके अलावा अगर आप लोग रेडियो पे नहीं सुन पाते तो YouTube चैनल है www.youtube.com/minhajaliaskari, वहां पे जाके आप हमारा शो सुन सकते हैं। चलें, इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 02134520791 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 02134520791। मुनीब ने हमें लाहौर से कॉल मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद नवीद, थैंक यू सो मच। उमेर, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान नवाज, थैंक यू आपके भी मैसेज का। चलें जनाब, बढ़ते हैं दोबारा से अपने कॉलर्स की तरफ, वो देखते हैं कौन हमें कॉल कर रहा है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है मार्शल लाइन पे मौजूद? मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, बताइए। ये ना वाकया मेरी नानी के साथ पेश आया था। एक्चुअली हम लोग ना कोटली सतिया मरी का एक गाँव है, एक वहां से बिलोंग करते हैं। तो ये 1970s का वाकया है कि मेरी आनी मतलब मेरी खाला जो है ना वो पैदा हुई थी। सही। तो थोड़े दिनों की थी वो, तो मतलब नानी रात का वक्त था, नानी उनको ना अपने साथ लेके सो रही थी। तो मतलब ना ये हुआ कि एकदम से ना बहुत ज्यादा घुटन सी नानी को महसूस हुई ना, जैसे सांस घुट रहा है। तो मतलब था कि चलो, मतलब उस वक्त ना लाइट वगैरह का भी नहीं था वहां पे, तो मतलब ये था कि इस तरह से। तो फिर ना उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज आई, तो उन्होंने देखा अपने बराबर में, तो मतलब मेरी आनी जो थी वो खामोश थी, सही, कोई नहीं रो रहा था। तो उन्होंने जैसे आंख खोली, ऊपर देखा, पहले बराबर में देखा, फिर ऊपर देखा, तो उन्होंने देखा कि एक औरत थी कम्प्लीटली ड्रेस्ड इन ब्लैक, और वो एक बच्चा नानी की तरफ बढ़ा रही है। तो नानी ने देखा कि ना, फिर देखा बराबर में कि मतलब आनी है बराबर में, तो आनी बराबर में थी। और फिर नानी ने ना मतलब दुआएं वगैरह पढ़नी शुरू कर दी। फिर मतलब थोड़ी देर में देखते देखते ही नानी ने देखा कि एक लालटेन बराबर में रखी हुई थी, वो लालटेन स्टार्ट वॉकिंग, और फिर वो वॉकिंग करते 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 कमरे से बाहर चली गई। और मतलब फिर नानी ने दुआएं वगैरह पढ़ी, तो मैंने भी वॉज फाइन। लालटेन वॉक करती हुई, लालटेन वॉक करती हुई चली गई। लालटेन, हाँ एक, हाँ जैसे लालटेन रखी हुई थी, लाइट वगैरह करना नहीं था ना, मतलब जैसे 1970s की बात है, तो लालटेन बराबर में रखी हुई थी, रखी भी होती है, अभी भी हम जाते हैं तो मतलब होता है ये, मतलब रखी भी होती है। तो लालटेन स्टार्ट वॉकिंग और वो बाहर चली गई। मतलब नानी हमें बताती है, तो नानी बता रही थी कि जैसे अगर वो उस टाइम वो औरत से बच्चा ले लेती तो शायद आनी को नुकसान पहुंच जाता हमारी, या नानी को पहुंच जाता। तो इस दौरान आपकी नानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब चीखें कोई? नहीं, हाँ मतलब यही था कि मेरी नानी बहुत इस्लामी है, तो बस वो दुआएं पढ़ती रही, तो बस एवरीथिंग फिर वेंट नॉर्मल, यही हुआ था। मतलब ये वाली बात तो मुझे, देखिए सना मैं बड़ा सीरियसली बताऊंगा,
ये जो वो वाली थी वो आपकी नानी को वो औरत नजर आई, ये बिलीवेबल है, लेकिन वो जो लालटेन वॉक करती हुई चली गई ना वो नहीं, आप, आपको आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हाँ हम लोग जाहिर अभी भी बिल्कुल वहां से हमें वाकया जिस तरह से सुनने को मिलते हैं कि जब मतलब कोई बेबी पैदा होता है तो मतलब वो जो मदर होती है उसके साथ मतलब इस तरह का हो रहा होता है, या फिर अगर जैसे किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो फिर वहां पे मतलब ऐसे होता रहता है, मतलब ये वहां पे वाकया बहुत नॉर्मल है। और कोठली ये आप सतियां किधर, गाँव कौन है, से गांव की बात कर रही हैं? कोठली सतियां। ये अभी भी मौजूद है या मतलब, आई एम हाँ सॉरी हाँ मुझे पता नहीं है इसके ये बारे भी में। मौजूद है, हम जाते हैं। अच्छा, और ये है किस साइड पे? मरी मरी की तरफ है, मरी की तरफ है। इस्लामाबाद से आगे है, अच्छा, इस्लामाबाद और पिंडी से थोड़ा आगे है। वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मैं अभी इस 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मरी जाऊं, तो मुझे ये जरूर इसका रास्ता बताएं ताकि मैं इधर जाऊं देखूं जाके कि ये, आप जरूर विजिट करें, बहुत मशहूर है, मतलब इस्लामाबाद से आगे है। अगर आप ईमेल इस्तेमाल करती हैं और हाँ आपके पास जरूर, कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर है किसी साहब का जो मैं जिसे कांटेक्ट कर सकूं और वो मुझे इस इलाके को घुमा सकें, पहले मैं आपको मेल तो करती आप हूँ। मुझे ईमेल हाँ कीजिएगा। थैंक यू सो मच ठीक सना, है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? आदिल बात कर रहा हूँ, क्या हाल है मिनाज भाई, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी आदिल, क्या करते हैं आप? मैं अपना डैडी के साथ काम करता हूँ, कारोबार है अपना, डैडी का कोई कारोबार तो होगा ना, नाम तो होगा डैडी के कारोबार का। आयरन स्टील का काम है हमारा। ओ, कहीं आपका ताल्लुक उस फैमिली से तो नहीं जो आजकल जेल में है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है करप्शन से बिल्कुल दूर है। अच्छा, ये बताइए कि कोई वाकया है जो आप शेयर करना वाकया चाहेंगे? मेरे अपने मेरे साथ तो नहीं है वाकया, मगर मैं जब पहले अपने पुराने एरिया में रहता था तो वहाँ एक वाकया हुआ था। मेरे दोस्त के दादा का इंतकाल हुआ था, तो उसकी बरसी रखी थी, तो उसमें सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो हम लोग रात में बैठे हुए थे, लेट नाइट था, तो तकरीबन 11:30-12 बज गए थे। तो बराबर वाले घर में था, हमें नहीं पता था कि एक लड़की है, उसके अंदर कुछ जिन्नात के असरात है। तो हम लोग बैठे हुए थे, दोस्त लोग थे, तो अचानक आवाज आई, बहुत जोर की चीखने की आवाजें आ रही थी। तो उसके जो वालिद साहब है वो नीचे आए भागते हुए, पता नहीं टैक्सी दे लेने गए थे या क्या देखने गए थे। तो हम लोग को बोला बस मैं परेशान हूँ, और वो चले गए। हम लोग ने बोला देखते हैं क्या होता है, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, हमने बोला नॉर्मल आवाज तो नहीं है। तो हम लोग अल्लाह अल्लाह करके ऊपर गए, आवाज भी बिल्कुल अलग सी चेंज, जब हम वहां गए तो बिल्कुल नजारा ही बिल्कुल चेंज हुआ हुआ था वहां पर, कि वो लड़की बाकायदा उसकी आंखें ऊपर थी और उसका पेट जो है ना वो बार बार अंदर बार हुए। तो उसकी मदर भी परेशान थी, हम लोग 3-4 लड़के थे, उसमें से 2-3 लड़के जिम भी करते थे, थोड़े हेल्दी थे, और मैं हम लोग कमजोर थे, वो थोड़े हेल्दी थे। तो उनकी सिस्टर, उनके मदर ने बोला कि आप जाके उनको पकड़े। हम लोग ने बाकायदा उनको पकड़ा है, 4 लोगों ने उनको पकड़ा है, वो फिर भी मतलब फिसल रही थी, पीछे जा रही थी, हमको 4 लोगों को पीछे हम लोगों को कर रही थी। तो बस वो हम लोग ने पकड़े रखा था, उसने एक दोस्त को देखा, उसकी आंखें ऊपर थी, उसको बोलती है मैं, उसकी आवाज थोड़ी चेंज हुई और बोलती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो लड़के ने नादे अली पढ़ना शुरू कर दी थी, वो पढ़ रहा है आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गई। एक दो लड़के और आ गए। अब हमको ये चीज पता लगी कि उसका जो वाले साहब है वो कोई कब्रिस्तान में कोई बाबा के पास ले जाता है, बाबा तो के हम पास लोग लेके जाते हैं। हाँ जी, बाबा के पास लेके जाते हैं जी, लेके जाता था, पहले से चल रहा था, हमें नहीं पता था, हम लोग का उसी लाइन पे घर था, मगर हम लोग का इस चीज का आइडिया नहीं था कि मतलब इस तरह होता है। तो हम लोग आए तो हम लोग परेशान हो गए बिल्कुल, कि ये बाबा के पास ले जा रहे हैं क्या है, मतलब एक इलिटरेसी ये देखा जाए कि मतलब रात के 12:30-12 बजे कौन बाबा बैठता है कब्रिस्तान पर। तो हम लोग ने बोला आप इधर नहीं ले जाए, इसका मेरे दोस्त का जो कजन था वो थोड़ा एजुकेटेड था, तो उसने बोला आप इधर नहीं ले जाए, सामने ही हमारी मस्जिद थी, तो उसने हमें कहा कि आप मस्जिद ले जाए इसको। हम लोग ने व्हील चेयर मंगवाई, उसको हम मस्जिद ले गए, वो उसकी आंखें लिटरली थोड़ी देर के लिए ऊपर ही थी, मतलब बिल्कुल व्हाइट हो जाती ना आंखें जो अंदर का होता है, वो पूरी बिल्कुल व्हाइट थी।
हम लोग उसको वहां ले गए, वहां हम लोग कुरान की जो आयत होती है वो उसके हाथ में दी, मगर तकरीबन हम जब तक ले गए उसका पेट पता नहीं क्यों बार अंदर वो हम खुद परेशान, हमने कभी इस तरह की चीज कभी डिस्कवर की नहीं कि यार इस तरह भी होता है। तो फिर हम लोग ले गए उसको, वहां पर उसको थोड़ा दम किया तो उससे इतना उसको फर्क नहीं पड़ा कि मतलब वो चीज बहुत ज्यादा मतलब इविल आप कह सकते हो कि मतलब अगर कुरानी आया, मतलब हम तो एक गुनेगार लोग हैं तो हमारी चीज पे इतनी असर नहीं करेगी, मगर फिर भी हम मस्जिद ले गए उधर भी असर नहीं किया उसको। फिर 3-4 दिन तक हमने उसके वालिद साहब को खबरदार किया कि आप बराए मेहरबानी उनको इन जगह ही ना ले जाए, कोई सही जगह ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसे आलिम के पास ले जाओ कि कम से कम वो सही ट्रीटमेंट दे सके, आप इस तरह की कब्रिस्तान ले जा रहे हो। मगर उसका ये सीन चलता रहा 1 महीना, फिर उसके बाद वो जाके फिर उन्होंने घर ही शिफ्ट चेंज कर दिया था। वो मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान थी वो लड़की, उसकी उम्र तकरीबन होगी 13 या 14 होगी प्रॉबेबली। तो ये वाकया हुआ था, ये एक मेरे जिंदगी में पहला और बहुत मतलब इसको हो भी तकरीबन 5-6 साल हो गए, मगर एक बहुत ज्यादा मेरे लिए एक वेट था कि मतलब इस तरह की चीज भी होती, क्योंकि हम लोग तो एक ऐसे दुनिया में गुजार रहे कि ये चीज पे कोई भरोसा रखता नहीं है, बोलता हाँ भाई अपने मस्त में घूमते, तो अब इस तरह की चीज होती है तो एक थोड़ा वो होता है कि यार ऐसा भी होता है। तो फिर इस वजह से बिलीव तो होता है यार, मुसलमान के लिए बिलीव है, मगर जब देखता है अपनी आंखों से तो बिलीव और फर्म हो जाता है कि नहीं यार ऐसी चीज होती है। तो बस ये है कि सबके लिए ये कहना चाहिए कि अच्छी सोच रखे और दूसरों के लिए बस दुआ भी करते रहे। और आदिल ये हुआ किधर था, कौन से इलाके में? ये था नॉर्थ नाजबाद, नॉर्थ नाजबाद में। तो उसके बाद अब आपको कोई खबर नहीं उस लड़की की? उसने घर ही शिफ्ट चेंज कर दिया था, उसके असल में जो डैडी थे ना वो थोड़े मतलब ऐसे थे कि आवारा टाइप थे, मतलब वो रातों को घूमना फिरना बाहर, मतलब बच्चों को इतना देखभाल देखना नहीं, रात को बैठे हुए गली के बाहर 2-3 बजे तक। अब अल्लाह जाने कि उसके वालिद साहब ने कुछ किया है ठीक है या किसने क्या किया है, ये हमें कुछ अंदर की कहानी तो मना लगे किसी को पता नहीं होती क्या है क्या नहीं है। मगर हम वो जब वो टैक्सी लेने गए ना तो हमने पूछा क्या हुआ, बच्चे की इतनी जोर से चीखने की आवाज आ रही है, हम सब परेशान। वो बोलते मैं जा रहा हूँ, हमने बुरा बताया तो नहीं हुआ क्या, तो बोलते मैं कब्रिस्तान में टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तो वहां पर बाबा बैठे उन्होंने बुलाया, वो बोल रहे हम बार बार देख रहा मतलब हम लोग ने बोला रात के 11:30-12 बजे कब्रिस्तान में कौन बैठता है, ठीक है हमने बोला कोई एक जेन्युइन बंदा भी होगा वो भी बोलेगा तो यार यहाँ कौन बैठता है। बस इस तरह की चीजें होती है कि मतलब एक इलिटरेसी होती है, तो वो इन चीजों के फिर बाबा होते हैं, फिर ये इनके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं कि भाई इस तरह के लोग आ रहे हैं तो अपने अमल करके थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं या काम बिल्कुल केस खराब कर देते हैं। तो इस चीज से लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ के खासकर पाकिस्तान के, तो इन चीजों से मतलब दूर रहे, मतलब अपनी आप व्यर्थ करते रहो, अपना अपना नमाज पढ़ो, पाकिजगी रखो, तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरी कुरान पाक आपको एक सबसे पावरफुल चीज ऊपर वाले ने अता की है, तो बस आप अगर उसको आप पकड़ के रखोगे तो आपको बाबा ये सब चीजें ये इनकी क्या जरूरत है, आपको इनकी आपको कोई नीड ही नहीं है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का आदिल ने एक बात बड़ी अच्छी की कि जब बिलीफ तो हम एज ए मुस्लिम हमें फॉर दैट मैटर मुस्लिम क्रिश्चियंस हिंदू जितने भी हमारे मजाहब के लोग सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम, सबके मजहब में जो है इस मखलूक के बारे में एक जिक्र बयान मौजूद है, और कोई भी ये स्पेशली 4 किताबें इस बात को डिनाई नहीं करती कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, करती है। लेकिन एक यकीन रखना और उस पे जब आप फिजिकली आप उस चीज को एक्सपीरियंस करें वो एक अलग सिनेरियो होता है। सुना सबने है लेकिन जब आपके सामने हो ये सब चीजें तब रियलाइज होता है। जिस तरह आदिल ने अपना ये वाक्या बताया, मैंने भी आपको एक मुझे याद है कि 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने अपने पिछले शो में एक पीसीजेस में एक हमारे दोस्त हैं वो रहते हैं उनके घर का वाक्या बताया था, वो भी सिमिलर इसी तरह था।
बस उसमें ये था कि वो लड़की टिल डेट अभी तक मौजूद है उस घर में, और उसको अब कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, गुर्राने की आवाज़ आती है। पता नहीं उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, या उसका दिमागी मसला है, लेकिन जो जो वाक़यात उसने मेरे दोस्त के साथ हुए थे वो कोई एबनॉर्मल पेशेंट वाले या इस तरह के कोई पेशेंट पेशेंट वाले वाक़यात नहीं थे, वो प्रॉपर पैरानॉर्मल चीज़ों के वाक़यात थे। तो कभी हमें मौका मिला तो उन दोस्त को अपने शो में बुलाएंगे या उनसे कॉल पे बात करेंगे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने ईमेल की तरफ और देखते हैं लाइन पे ईमेल। एक तो मुझे कॉल के ऊपर आदत हो गई है, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ईमेल किसने की है। सलाम मिन्हाज, ये वाकया मेरे घर का है। हमारे एक रूम का एक वॉशरूम जो इस्तेमाल में नहीं रहता, कुछ सामान रूम शिफ्टिंग के वक्त उस वॉशरूम के पास कबर्ड रख दिया था, जिसकी वजह से उस वॉशरूम का गेट ब्लॉक हो गया था। एक रात जब मैं उस रूम में सो रहा था तो उस कबर्ड में से नॉक नॉक करने की आवाज आई। मैंने उस रात ये बात इग्नोर कर दी और किसी को नहीं बताया। उसके बाद मेरी बहन एक रात वहां सो रही थी कि अचानक वो चीखती चिल्लाती वहां से भागकर हमारे रूम में आई। जब पूछा तो पता चला कि वो वॉशरूम जिसके दरवाजे के सामने कबर्ड रखा हुआ है और जिसकी वजह से वो ब्लॉक हुआ गया है, उसमें से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई कबर्ड को धक्का मार रहा हो और वॉशरूम ना जाने की वजह से अपनी मौजूदगी महसूस करवा रहा हो। जब सुबह हमने घर में ये सब डिस्कस किया, हमने सोचा कि यकीनन कोई है जो वॉशरूम में आना जाना करता है, जो कोई दूसरी मखलूक हो सकती है। फिर हमने रूम की सेटिंग चेंज की और उसके बाद से कोई और ऐसे वाकया पेश नहीं आए। ये वाकया PIB कॉलोनी कराची का है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जो रास्ते होते हैं दरवाजे के सामने, नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। रीजन यही है, कोई अच्छी मखलूक बुरी मखलूक कोई भी हो सकता है। नॉर्मल इंसान, आप उसके कमरे के दरवाजे के आगे बैठ जाएं, उसको अगर कहीं और जाना हो तो उसको भी उतनी ही उलझन होगी जितनी किसी और को होगी। तो सोचें एक ऐसी मखलूक जिसको आप देख नहीं सकते, आप उसका रास्ता रोक रहे हैं, अब वो नमाज पढ़ने जाना चाह रहा है, या XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो ये बातें मुझे कुछ अब इस उम्र में जाके अपने बड़े बुजुर्गों की, पहले मैं जब मेरी नानी या दादी मुझे बताया करती थी तो मैं कहता था कि यार क्या बातें कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई उचक के चला जाए, कोई कूद के चला जाए, ऐसा भी मतलब इंसान को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अब हल्के हल्के करके कुछ बातें समझ में आना शुरू होती हैं, और ये बातें एक्सपीरियंस के साथ होती हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत फेवरेट तरीन एक बच्चा था जो हमारे घर में काम करता था, उसका नाम इमरान है। वो कोई मेरे साथ, मुझे याद नहीं पड़ता वो जब तक हमारे घर में मौजूद था उसको मैंने कभी बोला हो काम करने का। कोई उसको पता था कि मैं आ रहा हूं तो मेरा रूम का AC चलना है, कपड़े इस्त्री होने हैं, फलाना जो भी डोमेस्टिक हेल्प होती है, जो भी जिस चीज के रोटी ये फलाना खाना ये वो सब कुछ तैयार। जब मैं एक गुलशन में उस जमाने में शिफ्ट हुआ अपने एक रिश्तेदार के घर में, वो बरसों से घर बंद पड़ा हुआ। अब हमने सुना था कि उधर कुछ जिन विन होते हैं, लेकिन मैं, मेरा भाई, मेरी वालदा, हम लोग शिफ्ट हो गए, हम आराम से रहे उधर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक रात मेरी नानी हमारे साथ रुकती थी, तो नानी उठी हैं रात के 3 बजे, उन्होंने देखा है नमाज, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि इमरान जो है वो घबराया के डर के मारे उठ के कोने पे बैठा हुआ है।
तो वो उनसे पूछा उसने कि भाई क्या हो गया, खैरियत है? डर रहे हो, पसीने छूट रहे हैं? तो कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, मैं ऐसी घबराहट हो रही थी, सुबह हुई मुझे पता चला, तो मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या। तो बताता है कि मैं वो एक हमारा जो गैलरी का रास्ता था वो उधर अपना पलंग बिछा के आराम से सोता था, और उसको कई बार मेरी नानी ने मना किया था कि इधर मत सोया करो, लेकिन वो मानता नहीं था। वो कहता था यहाँ अच्छा है, हवा ठंडी है, दरवाजा खुला होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। तो कहता है कि मैं सो रहा था और मुझे जो है मेरा किसी ने पलंग हिलाया पहले, फिर मेरी टांग किसी ने खींची, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे कोई मेरे सर पे खड़ा हुआ है और मुझे गौर से देख रहा है। कह रहा मैंने आंख खोली है तो मैंने देखा है प्रॉपर कि दो आंखें नजर आई हैं उसको। कहता है कि मुझे वो दो आंखें नजर आई हैं, एक काला जिस्म और लाल कलर की आंखें, वो मुझे गौर से देख रहा है ऐसे जैसे गुस्से में देख रहा। कह रहे मैंने उससे कुछ झगड़ लड़ झगड़ के साइड में हुआ हूं, और इतनी देर में ये सब हो ही रहा था कि नानी वॉकड इन। तो वो अपनी, क्योंकि तहज्जुद गुजार थी मेरी नानी, और वो उनका ताल्लुक ही सिर्फ मजहबी घराने से था, उन्होंने ना दीन दुनियावी तालीम कोई हासिल नहीं की हुई थी, लेकिन दीन की तालीम है सारी थी। तो शायद उनकी वजह से वो जो भी मखलूक थी वो वहां से गायब हो गई। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोग, जो लोग अपने बताते, जैसे आदिल ने या ये जो इन्होंने बताया कि रास्ते में नहीं, ये अली हसन ने जैसे बताया, तो ये खास ख्याल रखें। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ही माना जाता है इस बात को। खैर, 0213-452-0791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे हमें अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। मिनहाज, माई नेम इज नमीरा, मैं जो वाक्य आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स के साथ पेश आया। ये बात 3 महीने पहले की है। मेरे भाई अपने दो फ्रेंड्स के साथ हाजिरी देने के लिए सेवन शरीफ गया थे। ये लोग वहाँ करीब सुबह 4 बजे पहुंचे। उस वक्त मजार बंद होता है, इसलिए उन्होंने सवेरे होने तक इंतजार करने का सोचा और एक रूम रेंट पे ले लिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उन्हें यह महसूस हुआ कि रूम काफी ज्यादा गर्म हो गया है। अभी इस गुमान में ही थे कि फजर की अजान होने लगी और फिर ये लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद अगेन नमाज पढ़ना शुरू की ही की थी कि भाई को यूं महसूस हुआ कि कोई उसे नमाज पढ़ने से रोकने के लिए उसके हाथों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। माई ब्रदर इग्नोर्ड इट एंड कंटिन्यूड हिज नमाज। अब इस बार किसी ने बहुत कुव्वत से भाई के हाथों को छुड़वाया और उसे धक्का दिया, और भाई अपने बयान बाई जानेब मौजूद दीवार से जाकर टकरा गया। ही स्टार्टेड शिवरिंग, उसने उठकर बेड तक जाने की कोशिश की, और वंस अगेन समवन पुश्ड हिम सो हार्ड एंड ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर वेयर ही सॉ समवन्स एग्जिस्टेंस नियर द विंडो नेक्स्ट टू द बेड। इतने में उसके फ्रेंड्स की नमाज मुकम्मल हो गई और वो सब एक तरफ बैठ गए। सडनली वन ऑफ हिज फ्रेंड फेल नियर द बेड। मेरे भाई और उसके दूसरे दोस्त ने देखा कि वो फ्रेंड जो गिर गया था उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और उस पर बेहोशी तारी हो रही है। My brother tried to woke him up, but he did not respond. उसने अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दिया था। My brother and his friend got frightened and decided to leave the room. उन्होंने उस फ्रेंड पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी और जैसे तैसे करके उसे रूम से बाहर ले गए और मजार की तरफ चल पड़े। उस एरिया से थोड़ा आगे जाते ही वो फ्रेंड अपने होश में आने लगा और थोड़ी ही देर में वो लोग मजार पहुंच गए और सब नॉर्मल हो गया। यही सब वाक्या था। उन्होंने मजार के प्रेमिसेस में मौजूद वहां के रिहायशी से जिक्र किया तो मालूम हुआ कि जो रूम उन्हें रेंट पे मिला था वो रूम काफी अरसे बंद था, किसी को रेंट पे दिया गया था ना ही वहां कोई उस रूम में रुकता था।
خیر جناب، بہت بہت شکریہ آپ نے ای میل کی. یہ سیون شریف کے بارے میں آئی تھنک تیسری چوتھی دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. خیر بڑھتے ہیں اپنے کچھ اور ای میلز کی طرف. سلام سر، شو کے شروع میں آپ نے کہا کہ کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کو شو چھوڑ کے جانا پڑا. اگر آپ یہ بتائیں اگر یہ باتیں آن ایئر شیئر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کر دیں. ایک ہی بات ہے وہ بھی پبلک ڈومین ہے. آئی تھنک کسی دن موقع ملا جب میٹ اپ ہوگا لوگوں کے فینس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لسنرز کے ساتھ، تو ہم ون آن ون آپ سے ڈسکس کریں گے. ایسے پبلک فورمز پہ بات کرنا مجھے، ایک تو اسٹوڈیوز کا معاملہ ہے، لوگوں کا معاملہ ہے، اور بھی لوگ کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے، ڈزنٹ لک گڈ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو، ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ جی میں اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتی. چلیں کوئی بات نہیں، کدھر سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں لانڈی سے بات کر رہی ہوں، کراچی. جی جی بتائیے، کوئی واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ریسنٹلی ہم نے اپنا گھر چینج کیا ہے، ورنہ لاسٹ ایئر جب ہم جس گھر میں رہتے تھے اس کے قریب کافی ٹائم پہلے جب بہت سی پارٹیز ہو تو ہوا کرتی تھی، تو ہمارے ہی گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ ٹیررسٹ ہوتے تھے تو وہ لوگ لوگوں سے پکڑ کے وہاں پہ لا کے ان کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، انہیں مار دیا کرتے تھے ناجائز طریقے سے. تو یہ کافی پرانی بات ہے، اب تو ماشاء اللہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس جگہ پر اب بہت سے فلیٹس بن چکے ہیں اور اکثر ایسا ہو چکا ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں، میرے کزن کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بچے سے ایک فلیٹ لیا تھا اور جنگ فیملی وہاں رہتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک روم کی لائٹ بند کرتے تھے دوسری کی آن ہو جاتی تھی، دوسری کی آن کرتے تھے تیسری کی، اور یہ انہیں کے ساتھ نہیں، کافی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کرتا تھا. تو ابھی بھی یہ چیز وہاں پر ہے کیونکہ کافی پرانے لوگوں سے اب وہاں ہوتا یہ تھا کہ کسی نے سٹ کاٹ دیا، کسی نے ایکسس کر دیا، تو وہ اسی حالت میں آج بھی لوگوں کو ایکسس کرتی ہے وہ چیز. اچھا ہلو جی، جی آپ کی آواز تھوڑی ڈاؤن ہو گئی، ذرا اونچا بولیں گے پلیز؟ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف. احسن علی کہتے ہیں کہ سلام مناج، آئی ایم لیونگ ان دبئی، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. ہم لوگ اجمان سے کلبہ جا رہے تھے، رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں ڈرائیو کر رہا تھا اور رات کا ٹائم تھا، بیچ میں ایک ایریا آتا ہے وہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. ہم لوگ جا رہے تھے تو رات کے ٹائم مجھے ایسا لگا کہ کوئی میری گاڑی کے نیچے آ گیا. ہم لوگوں نے جیسے ہی گاڑی سلو کی تو پیچھے ہم نے شیشے سے دیکھا کہ کوئی سفید ڈریس میں کوئی زمین سے اٹھا اور اڑنا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے جیسے دیکھا وہ اڑنا شروع ہوا، ہم نے واپس گاڑی تیز کر دی اور کلبہ جا کر ہم نے گاڑی روک کے جب ہم نے اپنی فیملی سے یہ بات شیئر کی تو پتا چلا کہ اس جگہ پہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. احسن سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کلبہ کیا جگہ ہے، میں نے تو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کلبہ، کوئی دبئی اجمان کی طرف کے راستہ ہے؟ سیکنڈلی اجمان جو ہے وہ پہلے بھی
एक दफा जब मैं अजमान एक ही दफा गया हूँ तो वहां के जो लोकल्स से उन्होंने मुझे बताया था कि एक अजमान में एक जगह है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है। रासल खेमा है या अजमान है? रासल खेमा थे शायद। खैर जो भी था, उस जगह को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यूएई में जहां पे इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। एक तो इतनी मशहूर बिल्डिंग है जहां पे हमारे एक मेरे साले रहते हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसके अंदर एक अपार्टमेंट को बंद कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से। सोचिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट मौजूद है जहां पे कोई आज तक बस नहीं पाया। बियर्ड राइट। वेल, इसी तरीके की रियलिटीज मौजूद हैं इस सोसाइटी में, इस दुनिया में जहां मैं और आप रहते हैं। हमें लगता है कि ये सब चीजें ऐसी बेकार हैं, बकवास हैं। हो सकता है कुछ लोग कहानियां बनाते हो अटेंशन हासिल करने के लिए, लेकिन हर दफा ही सब झूठ नहीं बोलते। कुछ वाकयात हैं जो, कुछ कहानियां हैं जो सच्ची हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं हसन अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी हसन, क्या करते हैं आप? मैं करता तो फिलहाल अभी कुछ नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ। यूनिवर्सिटी में जी। मुझे अपना थोड़ा एक वाक्य बताना था आपको कि मैं एक दफा रात में सो रहा था, सुबह उठा, बल्कि सुबह के 7 बजे होंगे, तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मुंह पे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन जब मैं उठा तो कोई नहीं था। तो लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, उसके बाद से मैं 2 रातों तक सो नहीं सका कि मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ। हो सकता है अम्मी ने मार दिया। उठ। नहीं, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे घर में, मैं अपने कमरे में अकेला सोता हूँ। अच्छा, तो वो हो सकता है कि ख्वाब में आपने कुछ ऐसा फील किया हो? नहीं, मैं जब सो के उठा हूँ तो ऐसा लगा मेरे, आप समझ सकते हैं थप्पड़ मारने के बाद जो दर्द होता है, मतलब जो जलन टाइप का होता है, मतलब उसे एकदम वैसा हो रहा था। और ये आपके अपने जिस घर में आप रहते हैं उसी में हुआ था? वहाँ उसी में हुआ था, और ये फर्स्ट एंड फाइनल है, इसके बाद मेरे साथ कोई वाकया नहीं हुआ, मुझे पता नहीं क्या ये क्या हुआ। अच्छा, नहीं वो खैर चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं राज भाई, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। मतलब ऑनर जी, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप करते अपना शो, और काफी मैं टाइम से सुन रहा हूँ मैं ये। चले यार, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाकी लोग भी कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, ये जो फिनोमेना है ना, ये थप्पड़ वाला जो है, ये मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, मैं किसी को झुटला नहीं रहा, किसी को ये नहीं साबित करना चाह रहा कि वो झूठे हैं या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, पहले डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन चले इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है कि रात को आप सो रहे हैं। एक तो फिनोमेना मैंने अपने शो में डिस्कस किया था, उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को समझ में आया, जो था स्लीप पैरालिसिस का। अक्सर लोगों को रात को लगता है कि उनका कोई गला दबा रहा है, सांस नहीं आ रही, तो वो पता चला कि वो एक साइंस की वजह से मसला होता है और उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। खैर, अभी जो हसन ने ये अपना वाक्या शेयर किया कि सोते में थप्पड़ पड़ गया, अब ये ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी ऐसे सेफ जोन में बैठे हुए हैं
जैसे हसन होंगे बता रहे हैं कि उनको आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो सो रहे हो, सोते सोते एक थप्पड़ पड़ा और आप उठे तो कोई भी नहीं है। अब इसमें चार पांच पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि छोटे बहन भाई या घर में कोई किसी ने एक शरारत की, थप्पड़ मारा भाग गया। सबसे कॉमन, क्योंकि फैमिली में अक्सर इस तरह के लोग प्रैंक करते हैं। सेकेंड ये कि हो सकता है कि रात में कोई ऐसी फिल्म देखी हो, एक्शन लड़ाई झगड़े वाली या हॉरर डरावनी, जिससे आपका एक सबकॉन्शियस दिमाग में पहले से ही चीज मौजूद हो के ये होगा, वो होगा, वो होगा। जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग में इतनी पावर होती है कि वो चीजें आप अज्यूम करने के बजाय आप उसको प्रैक्टिकली देखने लग जाते हैं, हालांकि वो हो नहीं रही होती। एक पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद असल में किसी ऐसी ही मखलूक ने मारा हो। अब बात ही बनती है कि फिर भाई मारा क्यों, चलते चलते मार दिया। ऐसे लड़के मुझे इतने बुरे लगते थे बचपन में, मेरे एरिया में थे या स्कूल में थे, जो आपको चलते चलते थप्पड़ मार दें। मैं दिल चाहता था मेरे हाथ में बैठो, मैं बैट मार दूं। तो सोचें अगर किसी को ऐसी बात जिन जाते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, तो मतलब इंसान का बस चले तो वो उसको शार्प शूटर लगा दे भैया। या तो कोई रीजन होगा, या आपने कोई ऐसी हरकत की होगी। हो सकता है कि आपके घर में कोई एक अच्छा जिन मौजूद हो जो नमाजी परहेजगार, और आपने कोई रात में ऐसी हैंकी पैंकी की हो जिस पे आपको एक पड़ गया हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, प्लीज। तो प्लीज, और ना हसन की बात हो रही है, प्रिसाइसली ये इन जनरल बात की जा रही है। खैर, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 20 मिनट बाकी हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स, ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स शामिल करें, और वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हैं वो जरूर हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फराज फ्रॉम कराची। सर, ये मेरे घर का वाकया है। वाकया कुछ यूं है कि मैं एक दिन अचानक तहज्जुद के वक्त उठ गया, सोचा मैं नमाज पढ़ लूं। मुझे उसी वक्त कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे बाहर सहन में जो बेसन का पानी खुला हुआ है। एक्चुअली मुझे भी नमाज पढ़नी थी और उसी बेसन पे वजू करना था, तो मैंने उठ के देखा कमरे से बाहर, तो बेसन का नलका खुला हुआ था। मैंने जाके बेसन का नलका बंद किया और फिर एक्चुअली मुझे और फिर गुसल करके वापस बेसन की तरफ आया तो बेसन का नल फिर से खुला हुआ था। मैंने फिर नीचे जाके देखा, अम्मी अबू सो रहे थे। फिर इग्नोर करके वापस ऊपर आया और वजू किया, फिर नमाज पढ़ने के लिए जा नमाज बिछाई। तो आप यकीन माने, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ नमाज पढ़ रहा है, और दो दफा मैं सजदे में जाते वक्त और जब सजदे से उठा तो मुझे सामने वाइट कपड़ों में कुछ कोई शख्स खड़ा हुआ नजर आया, और फिर दूसरे सजदे में फिर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सामने से कोई ऊपर स्टेज की तरफ गया है। ये चीजें छोटी छोटी हमारे घर में होती रहती हैं अक्सर। मैं आपसे और भी स्टोरी शेयर करूंगा टिल मैं अभी उसी घर में रहता हूँ विद माई वालिदैन। ईमेल बड़ी हो रही है इसलिए और चीजें किसी और दिन शेयर करूंगा। खैर फराज, ये तो बड़ी आपके लिए आई एम श्योर लक की बात है कि आपके घर में अगर कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है। तो कहते हैं कि जिस घर में मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, कहते हैं, मुझे पता चला थोड़े दिन बाद ही, मेरी बहन ने बताया कि इनकी फैमिली के साथ एक अजीब सी चीज मौजूद है। वो क्या है कि जिस घर जाते हैं वहां पे एक कमरे के कॉर्नर पे एक जानमाज इनके यहाँ हमेशा बिछी रहती है, और वो फोल्ड नहीं होती, खुली रहती है। तो बहन जब नई नई शादी होके गई तो उसने कहा कि ये क्या है, हमें बचपन में समझाया जाता है कि जानमाज को फोल्ड कर देना चाहिए, शैतान नमाज पढ़ लेगा।
बड़े होके सुना है कि शैतान नमाज पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, वो तो फिर मतलब अच्छी बात है ना, फिर तो जान नमाज को खुले रखना चाहिए। खैर तो उसने उनको बोला कि ये जानमाज आप लोग की हमेशा इस तरह होती है, फोल्ड करके रखने चाहिए। तो एक दो दफा तो बहनों ने इग्नोर कर दिया, फिर बाद में उसको बैठ के समझाया कि भाई चक्कर ये है कि हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ बरसों से एक बुजुर्ग साथ हैं, और जिधर जिधर हम मूव करते हैं वो बुजुर्ग हमारे साथ मूव करते हैं। तो बहन को समझ नहीं आया, बहन ने कहा मजाक उड़ाया कि ऐसी डरा रहे हैं, नई नई शादी भी बेवकूफ बना रहे। तो जब बहन के साथ फिर वाकया पेश आया तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये मजाक नहीं था, ये असलियत थी। उनको फजर के टाइम पे जोहर असर मगरिब इशा पांचों वक्त वॉशरूम में आना जाना, दरवाजा खुलना बंद होना, पानी के गिरने की आवाज, नलका खुलने की आवाज, बंद होने की आवाज, और कभी कभी तो किसी के पैरों के निशान तक नजर आए। जब आप गीले हो जाते हैं तो आपके पैर के थोड़ी देर के निशान रहते हैं। टिल डेट उनके साथ ये वाकयात होते हैं, लेकिन वो अब आबादी हो चुके हैं। खैर जनाब, बिल्कुल ऐसे ने कहा कि ये फुजैरा में, कलबा फुजैरा में है। बिल्कुल फुजैरा की ही बात है, फुजैरा के ही बारे में है। ये फुजैरा नहीं, फुजैरा तो समंदरी इलाका है, राइट। मैं तो रासुल खेमा की बात नहीं, पता नहीं यार, एक डेजर्ट है उधर, मुझे उसका अभी बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है। 0213452079 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। तलहा फ्रॉम लाहौर कहते हैं बड़ी तेज खौफनाक किस्म की बारिश हो रही है इन लाहौर, आप कराची वालों को ये मैसेज करके कितना तड़पाएंगे आपको पता है। आज ऐसा मौसम हो चुका था कि बस बारिश, अब बरसेंगे ये बादल, जो बादल बरसे वो ऐसे बरसे कि उससे ज्यादा तो मेरे आंसू निकल आते हैं। हिना नियाजी कहती हैं लाहौर से अस्सलाम वालेकुम, मिनहाज भाई आप ऑफलाइन बात करेंगे क्या, ऑन एयर में बात करेंगे क्या, मतलब मेरी इस बात का है ना, समझ नहीं बात। आपको कोई अगर वाकया है तो आप हमसे शेयर कीजिए प्लीज कॉल के जरिए। इसके अलावा जर्क फ्रॉम इस्लामपुरा लाहौर, हमारे घर का एक रूम में है जो खुद ही बंद हो जाता है, जो मर्जी कर लें, जितनी ताकत लगा लें, जितने धक्के मार लें, जितनी किक कर लें, पर उसको कोई नहीं खोल पाता। कुछ मिनट्स के लिए डोर ओपन होता ही नहीं। ऐसा मेरी लाइफ में 4-5 दफा हो चुका है। चले जनाब, जो लाहौर में लोग मौजूद हैं जर्क, आप अगर चाहें तो लोगों को अपना घर दिखा सकती हैं। ये बड़ा एक अजीब फिनोमेना है कि आपका एक दरवाजा बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप पे खुलता नहीं है। खैर, official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं, या फिर 0213452079 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। सलाम मिनहाज, मैं जो वाकया अपना शेयर करने वाली हूँ वो कोरंगी के एक घर का है जहाँ हम अभी भी रहते हैं। हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद लोगों ने हमें बताया कि इस घर में कोई ज्यादा टाइम से नहीं रुक सकता। हमने भी ऐसा बहुत कुछ फेस किया कि जैसे कि कभी कभी चीज़ों का गायब हो जाना और फिर थोड़ी देर बाद चीज का वहीं मौजूद होना, रात में अक्सर किसी का नजर आना। हमारे घर एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा कि इस घर को हमेशा साफ रखना और नमाजें पढ़ते रहना, खुश रहोगे। और वाकई ऐसा ही है, जब भी कभी गलती से नापाकी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वरना अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनसे हम बहुत परेशान हो गए थे, मैं वो फिर भी कभी आपसे शेयर करूंगी, अभी ईमेल नेक्स्ट ईमेल में शेयर करूंगी। ऑलराइट, हदीका का ये मैसेज थी, थैंक यू हदीका, बहुत बहुत शुक्रिया।
जनाब देखते हैं लाइन पे आप कौन है मौजूद हमारे साथ। हेलो जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नाम लेना चाहूंगा अपना। नाम नहीं लेना चाहेंगे जी? क्यों खैरियत ऐसा क्यों जी? मैं अपना एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा। तो नाम क्यों नहीं लेना चाहेंगे ये बताएं पहले आप मुझे। नाम लेना। अच्छा चलें सही। तो ये वाक्य क्या है बताइए। वाक्य ये पिछले साल का है मेरे साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पार्टी कर रहा था ही? तो वो बेसिकली मेरा दोस्त जो है उसका घर वो अकेला रहता है घर में ना, तो उसके तो ये था कि हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे साथ और बैठा हुआ है। और क्योंकि जब मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए गिलास मैंने उठाया, मेरा गिलास एकदम से क्रैक हो गया और उसमें ऐसे निशान आए कि जैसे किसी ने गिलास बेसिकली टूट गया, ऐसे निशान ऐसे उसमें किसी ने बाइट किया। तो ऐसी हालत हो गई थी कि बता नहीं सकता मैं आपको। नहीं तो आपने किसी चीज को देखा? देखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी दोस्त थे मैंने खुद ने महसूस किया कि हमारे साथ और भी कोई वहाँ पे बैठा हुआ था। कहा कुछ नहीं लेकिन ऐसे आसार हमें ऐसे लगे। हमें भी मुझे बताइए कि आप लोग उस वक्त जब बारबेक्यू कर रहे थे छत पे थे मौजूद? जी बिल्कुल। और आप लोग डरावनी बातें कर रहे थे? जी जी बिल्कुल कर रहे थे ना जी। तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ ये आपका वहम था। मैं 100% बता रहा हूँ। तो ये खौफ दिल से निकाल दें कि कोई मौजूद था। दूसरी बात ये कि जो ग्लास टूटा ना वो भी आपकी वजह से टूटा, आपने ज्यादा जोर से पकड़ लिया होगा। हो सकता है कि वो अंगीठी की तरफ ग्लास रखा हुआ हो सकता है वो बिल्कुल नाजुक ग्लास हो, ऐसी बेकार सा ग्लास हो। आपको पता है ना चाइना के आजकल सामान बन रहे होते हैं। तो वो अलग बात है कि लेकिन अगर किसी ने ऊपर से बाइट किया हो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? बाइट ग्लास को बाइट किया तो अगर बाइट करेगा तो चिकना चूर हो जाएगा ग्लास। तो ऐसा हुआ ना। तो उसमें बाइट का निशान था? जी बिल्कुल। मुझे आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ी करता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं ना? ग्लास पे कभी आपने आप मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि एक्सपेरिमेंट करें ग्लास को चबा के देखें। आपको पता है कि जबान कटेगी होंठ कटेगा राइट? ये मुझे बताइए आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने फिजिक्स पढ़ी होगी आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि ग्लास को चबाएंगे तो ग्लास टूटेगा ही। ग्लास तो कोई सॉफ्ट मटेरियल तो है नहीं कि उस पर निशाना आ जाएंगे राइट? तो वो कैसे इसको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं था। आप वहम था, इसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाएं और उस दोस्त के घर पे दोबारा पार्टी करें जाके। ठीक है बिल्कुल। और इस दफा ना खुदा के वास्ते बारबेक्यू के टाइम पे हॉरर स्टोरीज डिस्कस करेगा। थैंक यू, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब ये हमारे लास्ट कॉलर थे। आई एम श्योर आपने माइंड तो नहीं किया मैंने जरा आपको इस तरह बोल दिया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि आपको बुरा लग गया हो, लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ये सिर्फ वहम था। तो बड़े भाई होने के नाते मैंने अपना काम पूरा किया। अब आपको अगर बुरी लगी ये बात तो आई एम सॉरी उसके लिए। खैर चलते हैं, एक लंबी सी ईमेल है उसको शामिल करते हैं। सलाम मिन्हाज, मेरा नाम सवेरा है एंड मैं आज आपको अपना सच्चा वाक्या बताना चाहती हूँ। ये आज से 6 साल पुरानी बात है। हमने एक नया मकान लिया और वहां शिफ्ट हो गए। स्टार्ट में ही हमारे साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स थे। हम जिस रात उस घर में शिफ्ट हुए हमने बर्ड्स के पिंजरे को घर में सजा दिया। हम सुबह उठे तो देखा कि सारे परिंदे मर चुके थे और हैरानी की बात यह थी कि उनकी आंखें गायब थी। हमने इस बात को इग्नोर किया। फिर कुछ दिन बाद हमने छत पर मुर्गियां रख ली। एक दफा एक मुर्गी को हमने छत पे सर कटा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन कोई खा गया है और उसके जिस्म का सारा खून भी किसी ने पी लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बुराइयां जानवरों पे आ रही हैं। दिन ब दिन हमें किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा।
एक दिन हम सब नानी के घर चले गए। हमें वहां नानी ने रोक लिया। अब जो कि हमारे घर में मुर्गियां बर्ड सब छत पे थीं, अम्मी ने कहा कि भूख से मर ना जाएं, तो करीब की रहने वाली खाला से कहा कि किसी को भेजकर परिंदों को खाना डाल दें। खाला ने अपने शौहर को भेजा। दिन का वक्त था, खालू घर में आए, छत पे गए, परिंदों को पानी वानी देकर फारिग हुए और वापस नीचे आए। वो घर से निकलने ही लगे थे कि उन्होंने किसी को देखा। पीछे देखा तो एक दुल्हन के लिबास में औरत खड़ी थी। वो डर गए और जल्दी जल्दी घर से निकले। निकलते वक्त भी जब उन्होंने देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी। ये बात उन्होंने हमें बताई। हमने फिर भी कोई नोटिस नहीं लिया और सोचा कि हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम सबको वो मकान छोड़ना ही पड़ा। अम्मी सो रही थी, रात की तकरीबन 3 बज रहे थे। अम्मी को महसूस हुआ कि उनके पैर कोई आकर उनके ऊपर कोई आकर बैठ गया है और फिर उनका गला दबा रहा है। उसके नाखून बड़े बड़े थे। अम्मी ने देखा तो वो एक औरत थी। अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी तो वो जल्दी से छोड़कर भाग गई। अम्मी ने एक दफा ख्वाब में देखा कि मेरे बेडरूम में वो औरत दफन है। मेरी खाला को भी एक ख्वाब में आया। वो बताती हैं कि मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे कमरे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा होल हुआ है। एक औरत है जो बारिश में भीग रही है और गुनगुना रही है। फिर एकदम से वो कमरे के दरवाजे के होल में से झांकती है और उसकी एक आंख इतनी बड़ी है कि पूरे होल में समा गई है। मैं डर कर एकदम उठ गई। मिन्हाज, मुझे तो वो कभी नजर नहीं आई। ये सब बातें पता होने के बावजूद मैं उस कमरे में अकेली सो जाया करती थी। शायद ये चीजें उन लोगों को डराती हैं जिनके दिल में उनके लिए खौफ होता है। मैंने कभी डर महसूस नहीं किया इन चीजों से, ना ही कभी मुझे किसी ने डराने की कोशिश करी। आज भी मैं रात को कितनी देर तक छत पे रहती हूँ। एक स्टोर रूम है हमारी छत पे जो कभी नहीं खुलता। बेकार चीजें हम उसमें रख देते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे उसकी विंडो से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कभी कोई ऐसी मखलूक ना मेरे सामने आई। हमने वो घर छोड़ दिया, फिर वहां नहीं गए। अभी भी वो खाली पड़ा हुआ है। ऐसे कई सारे मकानात कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान, फैसलाबाद, बहुत सारे हैं जहां इस तरह के वाकयात लोगों के साथ पेश आते हैं और वो खाली पड़े हुए हैं। खैर जनाब, लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद एक लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। बल्कि पहले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। चलो जनाब, भरते अपने लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं दीवान बात कर रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को से। दीवान बात कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को से? यस सर। जी ये बताइए कि कोई वाक्य है आपके साथ पेश आया? अमेरिका शमरिका, आप अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से कॉल कर रहे हैं, गोल्डन ब्रिज पे कोई वाक्य पेश आया आपके साथ कोई? गोल्डन गेट पे तो ऐसा यहाँ कोई वाक्य नहीं आया क्योंकि अभी तक यहाँ पे तो ऐसा कोई वाक्य नहीं है। मगर ये कि मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ तो वहां पर एक दफा मेरे पाकिस्तान में एक वाक्य हुआ था। अच्छा बताइए। हुआ ये था कि मैं, मेरे कजन रहते थे इस्लामाबाद में, तो मैं इस्लामाबाद उनके पास गया तो उनके जो घर था बेसिकली मैं वहां जाकर रहता था, आने जाना हमारा होता रहता था। तो
एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां गए तो वहां कुछ प्रॉब्लम हुई भी थी कि रात को मेरे कजन ने बताया कि इनके घर के ऊपर कोई पत्थर वगैरह आते हैं। तो खैर बात आई गई हो गई, हमने कोई सीरियस नहीं लिया। तो रात में वहां पे आपको आइडिया होगा कि लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं नींद नहीं आ रही थी तो उनकी गैलरी में जाकर बैठा कि थोड़ा सिगरेट पी लूं या तो टाइम गुजार लूं, क्योंकि नींद ऐसा चाह नहीं रही थी। तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी सराउंडिंग में कोई चीज मूव की हो, जैसे काइंड ऑफ शेड हो, व्हाइट कलर का शेड हो मेरे पास, जैसे कोई चीज मूव हुई हो। तो आई थॉट कि मेरा हो सकता है कि मेरा वहम हो। बट उनके घर का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। बेसिकली उनका घर जैसे हमारे होते हैं 500 square yards का घर होता है, 3-story घर बना हुआ हो। तो नॉर्मली कराची के अंदर तो 3-story होता है, मगर वहां पर वो लोग ये करते हैं कि 3-story बनाकर और बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस उसमें वो एक दीवार बना देते हैं जिससे वो 6 partition बन जाते हैं और वो फिर उसको रेंट आउट करते हैं। बिल्कुल पोर्शन बन जाते हैं। तो जी बिल्कुल पोर्शन बन जाते हैं। तो जो मेरे कजन थे उन लोगों का फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड का पोर्शन था और अ पार्ट ऑफ दैट उसके नीचे जो पोर्शन था वहां पे लोग रहते थे। उसके अलावा वो पूरा जो उनका घर था वो खाली था। सही। तो मैं बैठा हुआ कि वो सपने बैठा हुआ था तो इंस्टेंटली एक तो वो शेडो फील हुआ, फिर उसके बाद मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत जोर से दरवाजा जो गुस्से में जैसे बंद होता है जोर से इस तरह किया। तो आई थॉट के मे बी कोई कजन या कोई और निकल कर आए होंगे या हमारे और कोई आया होगा, बट जो मेरी पोजीशन थी मुझे उनका घर पूरा क्लियर नजर आ रहा था, सारे बेडरूम वगैरह सब पता चल रहा था। तो अभी मैं ये देख ही रहा था कि सडनली जो पोर्शन उनका खाली था जो जहां पे कोई नहीं रहता था वहां से एक मतलब आवाज थी, वो कोई जैसे एक कोई जानवर आपको गुस्से में घुर्राता हो उस तरह की आवाज थी, मगर वो इतनी खौफनाक आवाज थी कि मैं अभी भी वो याद कर रहा हूँ तो मुझे वो मतलब जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना उस तरह का फील हो रहा है। वो आवाज आई है मुझे फॉर लाइक 5 feet की हाइट से, लेफ्ट साइड से। सही। तो आई थॉट कि मेरा कजन होगा, तो मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा यार तंग नहीं करो आ जाओ बाहर, तुम भी आ जाओ। तो उसके बाद वो आवाज बंद हो गई। तो मैं समझा मेरा कजन ही है, बट यू नो मैं वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान मुझे सेम उससे ज्यादा खौफनाक आवाज उसी तरफ से और तकरीबन 9 to 10 feet की हाइट से आपको, क्योंकि जब आपको एक वॉइस आती है तो आपको फील होता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सेम वही आवाज फील हुई है और लाइक 10 feet की हाइट से और उससे ज्यादा खौफनाक आवाज, मतलब वो इतनी खौफनाक आवाज थी कि मेरे हाथ से सिगरेट भी गिर गई, मुझे पता नहीं चला था। खैर उस आवाज के बाद मैंने हिम्मत भी नहीं हुई और वहां बैठने की हिम्मत नहीं थी, मैंने बस उठा हूँ और उनके घर के अंदर इंटर हुआ हूँ। तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जिस जगह मैं बैठा था वहां से बाकायदा फील हुआ है जैसे किसी ने मुझे आवाज देकर बोला हो कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं तो यकीन नहीं था। बस इसके ज्यादा मैं कुछ सुन नहीं सका, मैंने दरवाजा बंद किया, अंदर जाके कजन को उठाया, वो भी मुझे देख के घबरा गया क्योंकि मेरी उस वक्त कंडीशन बहुत अजीब सी हुई हुई थी, यानी आई वाज पेल एंड आई एम आउट एट दैट टाइम। तो खैर उसके बाद वो उठ गया, उसको मैंने सब बताया, बाहर आके देखने की तो हिम्मत हुई नहीं हमारी, आपसे मैं सच बताऊं तो, मगर ये कि उसके बाद मतलब मैं वहां रहा हूँ, बहुत दफा रहा हूँ जाकर, मगर ये जो एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि ये मैं भूल नहीं पाता कभी। और जहां तक इधर अमेरिका की बात रही, आपको मैं आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे, आपको मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, आपके आइकॉन आते रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट, ऑब्वियसली दे बिलीव ऑन एवरीथिंग, बट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या फिर जैसे आपका एक मैंने शो सुना था जिसमें कोई कराची में कोई लड़के का पिज्जा हट वाले आपने एक बताई थी स्टोरी। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, बट यहाँ पर आपको आइडिया होगा जो घर खाली पड़े हुए होते हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम होमलेस आगे छुप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है जी। तो यहाँ हाँ जी हाँ जी,
तो यहाँ पे इस तरह के सिनेरियो है और दो तीन चीजें यहाँ पर मतलब ऑब्जर्व की है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसे कोई ऐसी चीज थी या मेरा वहम था, तो इसलिए वो मैं आपको मुझे खुद उन लीजिए अपने ऊपर यकीन नहीं है तो मैं आपको उस बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू दीपा, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच और आपका शुभ बहुत अच्छा है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बस एक लास्ट ईमेल शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, माय नेम इज सुलेमान खान फ्रॉम कराची, मैं आपसे एक टेरिबल एक्सीडेंट अपने ही घर का शेयर करना चाहता हूं। हम 9 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं और मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी, वो बहुत ही चुलबुली और बहुत ही हसमुख थी, एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी प्रिटी। इसी दौरान हम लोग अपने गाँव चले गए जहां वो हमारे खानदान में काफी फेमस हुई और हमारे कजन्स और बाकी गांव से उनके लिए रिश्ते आने लगे, मगर अम्मी किसी से सहमत नहीं थी। फाइनली उनका रिश्ता हमने हमारे एक चाचू के बेटे के साथ किया। इन शॉर्ट, जब हम कराची वापस आए तो उनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई। हमने पूरे कराची के बेस्ट कंसल्टेंट्स को दिखाया मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी तबीयत इस हद तक खराब हुई कि वो अपनी चूड़ियां तोड़ के खा जाती थी और कच्चा गोश्त भी खाने लगी थी। फिर हम बात समझ में आने लगी, फिर हमने उनका रूहानी इलाज स्टार्ट करवाया जिसमें उन पर असरात जाहिर हुए। वो जिन हिंदू थे और वो साफ साफ कह रहे थे कि हम इसको जान से मारने मार देंगे यहाँ आए, हम इसको जान से मारने के लिए यहाँ आए हैं और ये काम आपके बहुत ही करीबी रिलेटिव का है और आपकी बेटी पर काला जादू करवाया गया है। मिनहाज, वो दीवारों को फैलांग कर नीचे कूदने की कोशिश करती थी। लोग सारे घर वाले रात जब सोते थे उसके बीच में करती थी और सब लोग रस्सियां अपने हाथों से बांध लेते थे जब भी वो रात में छुपके से भागने की कोशिश करती थी। हम सब जाग जाते थे, वो सारा दिन सारी रात जिन्नात उस पर हावी होते। फिर हम उन्हें शाह की बाबा के मजार ले गए, वहां उन सब जिन्नात ने वादा किया कि हम दोबारा कभी नहीं आएंगे और बहुत शदीद किस्म से चीख चीख कर रो रहे थे कि हमें जाने दो। फिर वहां वो बिल्कुल ठीक हो गई मिनाज, फिर हम सुकून से रहने लगे कि 3 महीने बाद वो लोग धोखा खाकर वापस आ गए जिसका हम बिल्कुल इल्म नहीं था। इस दौरान मैं उनसे बात कर रहा था, वो कहने लगी कि मैं रूम से वापस आती हूँ 2 मिनट में। जब वो वापस आई तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए मिनाज भाई, उनका पूरा जिस्म आग में झुलस रहा था, उन जिन्नात ने उनको आग लगा दी थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ 3 महीने इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मिनाज। वो 3 मंथ मेरे फादर ने हॉस्पिटल के बेंच पर सोकर गुजारे, वो सिर्फ फ्राइडे को घर आते थे और नमाज पढ़ के वापस चले जाते थे। आखिर उन 3 महीने के बाद डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज करने की इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी थी। हमने शुक्र अदा किया और सदकात वगैरह किए, लेकिन जब हम उनको डिस्चार्ज करने के प्रोसेस में बिजी थे तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वहाँ के सारे बेस्ट कंसल्टेंट्स ने उनको देखा लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब लोग यही कह रहे थे कि मेडिकल कंडीशंस बिल्कुल ठीक हैं लेकिन ये क्या हो रहा है हम कुछ समझ नहीं आ रहे। मेरे अब्बू को ये बात समझ आ गई थी तो उन्होंने मेरी बहन के सर पर हाथ रखा और माता चूमा तो उनकी उसी वक्त डेथ हो गई। मिनाज भाई, उन जिन्नात ने उनका गला दबाकर उनकी जान ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान, आपने अपना एक ऐसा इंसिडेंट हमसे शेयर किया जो कि आई एम श्योर बहुत ही मुझे पढ़ते वक्त इतने मैं अपनी फीलिंग बयान नहीं कर पा रहा,
तो आई एम श्योर आपके साथ क्या गुजरी होगी वो आप ही बेहतर जानते हैं, और आपकी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं उनकी मगफरत के लिए। मजाक मस्ती एक तरफ चलती है, जिंदगी है तो छोटा बहुत मजाक कर लेते हैं हम सभी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में मजाक करना सही नहीं होता। ये वो एक वाहिद चीज है, ये वो एक वाहिद मखलूक है कि जिसके बारे में मैं तो एटलीस्ट ये राय रखता हूं कि आप मजाक ना ही उड़ाएं तो बेहतर है। आपको नहीं पता कब कौन से कोने पे आपका इनसे आमना सामना हो जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। जाते जाते youtube.com/minhajaliaskari हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम एक्टिविटीज को फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।